दिनेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे ये माइंड सेट को लेकर, जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कोरोना के बाद इतना सारी परेशानियों के बाद लोग हंसना, यूँ भी कह सकते हैं कि लोग हंसना भूल गए थे, जीना भूल गए थे, लेकिन कोरोना के बाद अब धीरे धीरे फिर से गाड़ी लाइन पे आ रही है लोगों की, अभी आई नहीं आने वाली है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले अखिलेश सिंह साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। तमाम व्यूवर्स को मैं आज यही बोलना चाहता हूं, माइंडसेट, लोग बोलते हैं ये माइंडसेट होता क्या है, माइंडसेट जो होता है ना साहब, ये कुछ और नहीं बल्कि विचारों का, एक ही विचारों को जब बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो विचार जो है एक माइंडसेट बन जाता है। यही विचार जो पहले जो था, ये विचार पहले इसको बिलीफ सिस्टम बोला जाता था, ये और कुछ नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम है, और जैसा आपका बिलीफ सिस्टम रहेगा, जिस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम रहेगा वैसे आपका माइंडसेट बन जाता है। इंसान जो है विचारों का पुलिंदा है। हमारे दिमाग में ना अखिलेश सर 60,000 विचार आते हैं रोज, और आप आश्चर्य हो जाएंगे, बहुत सारे विचार सेम होते हैं। और मेरा एक मेरी खुद की एक लाइन है, मेरा तकिया कलाम आप बोल सकते हैं कि सेम मेक यू सेम। आप बार बार जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, आप वही बन जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस बात से बात को कहा था कि इंसान जो है जिस चीज़ को बार बार सोचता है, जिस चीज़ को बार बार विचारों में लेकर आता है, और वही वो बन जाता है। हम सब वैसे ही हैं, हम सब विचारों से निर्मित प्राणी है। तो माइंडसेट जो आप बात कर रहे हैं, आज कोरोना की जो स्थिति चल रही है, अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है जैसे आपने कहा अखिलेश साहब, तो यहाँ पर मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कैसी भी हो परिस्थिति, कैसे भी होने दीजिए परिस्थिति, अपने विचारों को, अपने मनस्थिति को एक रखिए साहब। ओके, उलझने जैसे आती हैं, बार बार ख्याल मन में आता है कि अब कल क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, गवर्नमेंट भी बहुत घबराई हुई है, लोग भी बहुत घबराए हुए हैं कि मुंबई में अब क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है, तो उसको कैसे आदमी ये बहुत करे? बहुत बढ़िया, ये सवाल आज के तारीख में हर एक के दिमाग में आ रहा है कि कैसे हम इसको आगे बढ़े, क्या करें, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे क्या, कैसे भविष्य हमारा कैसा हो, क्योंकि हमें लग रहा है कि भविष्य अंधकारमय है, लेकिन मैं साहब यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य सुनहरा है, हमारा भविष्य सुनहरा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वही जिंदगी में आने वाली है। अगर आप पैसे पे ध्यान देंगे पैसा आएगा, आप अगर सक्सेस पर ध्यान देंगे सक्सेस आपको मिलेगा, जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि एक लड़का था मेरे पास, एक क्लाइंट आया था, और वो कहता था कि मैं साहब मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने पूछा किस चीज़ का डर लगता है, बोले मैं जब किसी अंधे को देखता तो मुझे ऐसा लगता है मेरी भी आँखें चली गई, तो जब मैं किसी को ऐसा देखता हूँ कि उसकी पैर नहीं है तो मुझे डर लगता है कि मेरे भी पैर चले गए तो, और कभी मुझे ऐसा किसी को मैं ऐसा देखता हूँ ऐसा हैंडीकैप जैसा, तो मुझे डर लगता है कि मैं भी उसके जैसा बन गया तो। तो मैंने उसे यही कहा, बन गया तो बन गया, अभी आपकी स्थिति कैसी है? बोले अभी तो सर मैं पूरा हूँ, पूरा इंसान हूँ। तो बस उसको जीना शुरू कर दीजिए ना साहब, इस पल को जीना शुरू कर दीजिएगा, इस पल को। ओके, जैसे आप माइंड सेटर हैं, स्पीच भी देते हैं इन सब चीज़ों पे, कोई डिप्रेशन में है या किसी भी तरह से वो शिकार हो गया है, तो क्या कुछ टिप देना चाहेंगे उसको कि जो मतलब इस समस्या से बाहर निकल सके? एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर हम शिकार हो गए हैं, बाई चांस कोई बीमारी हमारे पास आ गई है, बाई चांस कुछ निकल गया है, लेकिन एक चीज़ के लिए आप जश्न मना सकते हैं साहब, आज ही से, इसी वक्त से, फ्रॉम दिस मोमेंट आप जश्न मना सकते हैं, और वो जश्न केवल यही चीज़ आपको सोचना है कि मैं जिंदा हूँ। जिंदा होने से बड़ा जश्न और कोई नहीं हो सकता है साहब, आप जिंदा हो, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लोगों ने भी इससे भी विकट परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़े। बस आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अखिलेश सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो मंत्र है धन्यवाद। बस धन्यवाद निकले, हर सांसों में धन्यवाद निकलना चाहिए, हर सांसों के बाद धन्यवाद, हर सांस अंदर जाते समय धन्यवाद। देखिए ये आपके ब्लड को चेंज कर देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा देगा, और आपका दिमाग अभी क्या कर सकता उस पर ध्यान देने लगेगा। सिर्फ धन्यवाद दीजिए साहब। आज आप अंधेरी रेजेंसी, हयात रेजेंसी होटल में आए हुए हैं, डॉक्टरेट ऑनरी का सेरेमनी होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे क्या है पूरा कार्यक्रम आज का? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हम सब ना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं साहब, हम सब लोग को मौका नहीं मिलता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन एक मौका जिंदगी देती है कि आप जो काम कर रहे हैं ना साहब उसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं।
तो आज जितने लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, वो सोशल वर्कर होने दीजिए, वो अपने क्षेत्र के महारथी होंगे, वो शायद अभिनय क्षेत्र के महारथी है, मुझे पता है कि आज शायद विवेक आनंद ओबेराय साहब भी आने वाले हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस लोग आने वाले हैं, मॉडल आने वाले हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया हुआ है, कोई गवर्नमेंट के अधिकारी प्रशासक के आला अफसर भी आने वाले हैं, उनको भी आज डॉक्टरेट दिया जाएगा। तो ये सिद्ध करता है भले ही हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने पढ़ाई में, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना साहब, उसमें हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, और आज यही चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।